मॉडल ग्लैमर की तरह है, वही है। टंकी पे आपको ग्लैमर लिखा हुआ इस और वो मिल जाएगा, और श्राउड मिल जाएगा जो कि काफ़ी खतरनाक लग रही है। टंकी की बात करूँ तो जो ग्लैमर का बैक टू माय यूट्यूब चैनल, तो गाइस आज की वीडियो होने वाली है हीरो की ग्लैमर, जो कि 2023 मॉडल ग्लैमर है गाइस, और ये मार्केट में आ गई है। और इसकी रही रियर प्रोफाइल जो कि आपको मिलेंगे हीरो की BS6 2023 मॉडल, और भाई जो ग्लैमर आती थी BS6 उस टाइप से आपको पीछे वाली प्रोफाइल मिलेंगे। फ्रंट प्रोफाइल की बात करूँ तो गाइस ये है जो 2015 मॉडल जो आती थी उस टाइप से आपको मिल जाएंगे। 17-16 मॉडल 15 मॉडल जो आती थी उस टाइप से मिल जाएंगे, जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा बिकने वाली ये बाइक थी। ग्लैमर 125cc में आती थी, उस समय की सबसे राजा गाड़ी थी। इसका फ्रंट प्रोफाइल कुछ इस टाइप से आपको मिल जाएंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि इस गाड़ी में आपको क्या क्या खास चेंजिंग मिलता है। इसमें आपको एलाइवल मिल जाएंगे जो कि, और ट्यूबलेस टायर मिलेंगे, कॉम्बो ब्रेक के साथ आएगी। यहाँ पे हार्ले डेविडसन की तरह यहाँ पे DRL लाइट दे दिया है जो कंपनी, जो कि बेस्ट लग रही है। यहाँ पे आएंगे तो आपको पैशन प्रो और पैशन एक्सटेक जो आती है BS6 में अभी, उस टाइप से इसका मीटर आपको मिल जाएंगे जो कि पूरा डिजिटल मीटर रहेगा। इधर आएंगे तो आपको USB चार्जिंग सिस्टम मिल जाएगी जो कि चार्ज कर सकते हैं, और बाकी ब्लैक हैंडल जो पुरानी मॉडल ग्लैमर की तरह है वही है। टंकी पे आपको ग्लैमर लिखा हुआ FI का लोगो मिल जाएगा, और श्राउड मिल जाएगा जो कि काफ़ी खतरनाक लग रही है। टंकी की बात करूँ तो जो ग्लैमर आती थी ओल्ड मॉडल BS3 BS4 में, उस टाइप से आपको टंकी मिल जाएंगे। और पीछे बैटरी पैनल की बात करूँ तो इसमें काफ़ी चेंजिंग आपको देखने को मिलेगा, जो कि पुरानी वाली मॉडल में टेल पैनल और बैटरी पैनल में काफ़ी चेंजिंग था, इसमें भी काफ़ी चेंजिंग है। इसमें पुरानी वाली मॉडल में ये आपको टेल पैनल टूट जाता था बहुत जल्दी, जो कि इस मॉडल में चेंज कर दिया कंपनी, तो एक चीज़ बहुत अच्छा किया। फ्रंट की लुक काफ़ी अच्छा कर दिया, और साइड प्रोफाइल भी काफ़ी अच्छा, और ये चेंज कर दिया ताकि टेल पैनल नहीं टूटेंगे। टेल पैनल ये होता है बॉडी पीछे वाला, जो कि ओल्ड मॉडल ग्लैमर में काफ़ी टूट जाता है। बैटरी पैनल पे आपको ICS लिखा हुआ मिल जाएगा, और ब्लैक कलर है, ब्लैक रेड काफ़ी वेस्ट कलर है, और सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी उस टाइम की थी। अभी मार्केट डिमांड के हिसाब से कैसा रहेगा ये तो देखना होगा, अभी तो गाड़ी फिलहाल आई है। कॉम्बो ब्रेक इसमें मिल जाएंगे। इंजन की बात करूँ 125cc आपको पुरानी वाली मॉडल की तरह ही ये भी मिलती है। ग्लैमर जो BS6 में आती है वही रहेगी। इसमें भी आपको थ्रॉटल बॉडी मिल जाएगा जो कि FI है, यहाँ पे थ्रॉटल बॉडी मिल जाएंगे। टंकी में आपको मोटर मिल जाएंगे, फ्यूल इंजन इंजेक्टर सिस्टम गाड़ी है ये। रियर प्रोफाइल की बात करूँ तो गाइस काफ़ी अच्छा लग रहा है, और कुछ इस टाइप से आपको इंडिकेटर जलेंगे। हाई पावर की शॉकर यूज़ किया गया है, पीछे से देखने पर कुछ इस टाइप से आपको दिखेंगे। इसमें 12 लीटर की टंकी कर दिया है। मीटर में काफ़ी चेंजिंग आपको देखने को मिलेगा। इधर की ओर आएंगे तो आपको हॉर्न लाइट इंडिकेटर अपर डिपर और पार्किंग की सुविधा मिलती है, इसमें कोई LED लाइट नहीं आपको मिलेंगे। इधर आएंगे तो ICS और स्टार्टर बटन मिल जाएंगे। तो गाइस इधर आपको स्टार्टर बटन मिल जाएंगे, स्टार्ट करके देखते हैं कैसा इसका वॉइस है। इसका वॉइस कुछ इस टाइप से आपको मिलेंगे। इधर की ओर आएंगे तो आपको मिलेंगे स्टैंड लाइट कट ऑफ, जो कि गियर में गाड़ी रहेगी तो ही बंद हो जाएगी। पीछे में फाइबर चैन कवर जो कि आते थे वही मिलेंगे, और ट्यूबलेस टायर पीछे में भी मिलेंगी। इसकी प्राइस की बात करूँ तो गाइस इसकी प्राइस 1 लाख समथिंग होने वाली है, अभी पूरा प्राइस खुला नहीं है। कुछ इस टाइप से दूर से गाड़ी दिखती है। फ्रंट की प्रोफाइल में आपको LED लाइट नहीं मिलेंगे, यहाँ पे वाइजर विंड स्क्रीन जो होता है उस पर हीरो का लोगो मिलेगा। पुरानी वाली मॉडल जो आती थी ना उस टाइप से आपको उसी का वाइजर और हेडलाइट ये सब मिल जाएंगे, जो कि खतरनाक लुक आगे से आपको देखने को मिलेगा। फ्रंट और रियर दोनों ट्यूबलेस टायर मिल जाएंगे। 125cc है, जो कि पुरानी वाली मॉडल में भी 125 ही ग्लैमर आती थी, ये भी 125 है। यहाँ पे श्राउड डालने से गाड़ी भड़कदार हो गई, यह यूज़ कर दिया इसके वजह से भड़कदार हो गया। बाकी इंजन में कोई चेंजिंग नहीं है, बस इसी अगर पट इंजन में आता तो और ज़्यादा वेस्ट होता, मार्केट डिमांड और ज़्यादा होती, तो इसमें कोई ऐसा है नहीं। E20 मॉडल, इसमें भी E20 आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। फ्यूल टैंक
ग्यारह बारह लीटर की आती है वो रहेगी। मीटर में हम आपको बता दें कि यहाँ पे तीन चार चीज़ जो चेंजिंग में, यहाँ पे स्टैंड लाइट कट ऑफ हो जाएगा, इंडिकेटर हो जाएगा, पार्सिंग हो जाएगी, ईसीयू लाइट हो जाएगा, I3S हो जाएगा। इसमें आपको एक्सट्रैक्ट ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी, जो कि उसके लिए आपको लेना पड़ेगा ग्लैमर एक्सट्रैक्ट, वो भी अवेलेबल है हीरो के पास। इसमें पीछे की बात करूँ तो सीट काफ़ी कुछ पुरानी वाली मॉडल थी, इसमें सीट को भी अच्छा कर दिया गया, बढ़ा दिया है, जो कि अच्छा लग रहा है। तो गाइस कमेंट में आप लोग ज़रूर बताना कि कैसा लगा ये बाइक। तो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, इसकी प्राइस 1 लाख ऑन रोड होने वाली है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, ऐसी ऐसी बाइक आप लोग के लिए लाते रहेंगे।